हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। प्यारे साथियों, हम आज शंकर आईएएस एकेडमी की किताब जो एनवायरनमेंट का लेटेस्ट एडिशन है 9th वाला, उसका चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम और इसे हम पार्ट्स में करेंगे। तो पहला पार्ट आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। बहुत आराम से समझ समझ की चीज़ों को जानिएगा साथियों। सबसे पहले आपको बेसिक बताती हूँ कि जैसे चैप्टर का नाम है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, तो यही कहता है ना कि इकोसिस्टम जिसे हमने लास्ट वाले अपने चैप्टर में समझा था, उसका आखिरकार क्या क्या काम है। देखिए, छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही पूरा हमारा ये सिस्टम चल रहा है ना, वो कंप्लीट हो रहा है। तो इसको हम कुछ हेड्स के अंदर समझेंगे, जैसे कि पहला रहेगा एनर्जी फ्लो, दूसरे में हम जानेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल को, जिसे हम लोग बायोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं, और तीसरा हम समझेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन को, या इसे कहेंगे इकोलॉजिकल डेवलपमेंट को। ठीक है, तो ये है बात। आइए शुरुआत करते हैं, हम एनर्जी फ्लो से समझते हैं चीज़ों को। तो एनर्जी फ्लो क्या होता है, पहले बेसिक चीज़ें आप जान लो। देखिए, एनर्जी क्या है, ये एक बेसिक ऐसी फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए, चाहे हमारे शरीर में हो, चाहे जानवरों के यहाँ हो, कुछ भी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए बेसिकली एनर्जी ही की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, हमारे अंदर एनर्जी कैसे आई, हमने कुछ खाया तभी तो आई ना। तो इसलिए एनर्जी का फ्लो कुछ इस तरह से होता है कि प्रोड्यूसर जो है वो, भाई प्लांट्स है, मान लो सपोज करो इस केस में हमने प्लांट्स को प्रोड्यूसर ले लिया, तो जो प्रोड्यूसर है वो अपने से देगा, एक दूसरे अपने लेवल पर ट्रांसफ़र करेगा, जिसे हम आगे बताते रहेंगे, फिलहाल समझते रहिए। फिर मान लीजिए इसको किसी ने खा लिया तो ये एनर्जी इसमें आ गई, इसको किसी ने खा लिया तो ये एनर्जी इसमें आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स पे ट्रांसफ़र होती रहती है एनर्जी। तो ये कैसी है, ये एक यूनिडायरेक्शनल देखने को मिलेगी। खैर, अभी हम इन चीज़ों को आगे समझते रहेंगे, फिलहाल आप बेसिक बेसिक आसान भाषा में समझते रहिए। तो अब क्या होता है कि ये कुछ लेवल पर होता है, ठीक है ना, किस तरीके से एनर्जी फ्लो हो रही है। तो ये जो स्टडी है ट्रॉपिक लेवल की, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल की, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इकोसिस्टम के अंदर। और यही एक आइडिया देगी किस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है थ्रू दी इकोसिस्टम। चलिए अब ट्रॉपिक लेवल के इंटरेक्शन को समझते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र को समझते हैं, लेकिन उसके पहले आप एक गौर से समझिए कि और मैं इसके इस पर्टिकुलर डायग्राम के अलावा क्या कहना चाहते हूँ। देखिए, ट्रॉपिक लेवल, अब का कहेंगे मैम कि ट्रॉपिक लेवल क्या है, तो इसको कैसे क्या डील करना है, इसका काम क्या है। देखिए, ये क्या होता है ना, इस पर जो भी इंट्रैक्शन आप देख रहे हो, ये डील करता है कि किस तरीके से जो मेम्बर्स हैं हमारे इस इकोसिस्टम के, ठीक है, इकोसिस्टम के जो भी मेम्बर्स हैं वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशनल नीड्स। अब सपोज़ करो, एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, हालांकि टेक्निकली इनकरेक्ट है, लेकिन एक बात बताती हूँ कि सपोज़ करो कि आपको प्रोटीन चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, तो आप पनीर के चक्कर में पहुँच जाते हो ना कि हम पनीर खाएँ, या एक दूसरे तरीके से जो करेक्ट एग्जाम्पल भी रहेगा, तो हमको प्रोटीन चाहिए तो हम जो है वो क्या खाएँगे, चिकन खा लेते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें, या हम चना खा रहे हैं, तो ये सब क्या है, हमें अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए हम कनेक्ट हो रहे हैं किसी ना किसी ऐसी चीज़ से जो कि जो है हमारी इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो यही जो डिफाइन होता है, ये एक लेवल के हिसाब से चीज़ें होती हैं, और ट्रॉपिक लेवल इसी को ही कहा गया है। ट्रॉपिक का मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब होता है नरिशमेंट। अब किसी भी जानवर का, मनुष्य का, या किसी प्रकार के जानवर का नरिशमेंट जो है वो हर एक लेवल के हिसाब से जो हो रहा होगा, तो ट्रॉपिक लेवल हो गया। अब समझते हैं इन चीज़ों को कि है क्या। तो सबसे नंबर पे, वन पे अगर आप देखो, तो आते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को साथियों हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉप मतलब ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाए, ठीक है, इसलिए इनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फिर ऊपर लेवल एक बढ़ा, आए हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स मतलब अभी जो खाना पका है इसे खाने वाला कौन होगा, सबसे पहले
एक पहला वाला जो कंज्यूमर होगा, जिसे हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे, ठीक। तो ये कौन होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर? अब सपोज करिए पेड़ों ने खाना बनाया, तो पेड़ों को खाना बना के सीधा शेर तो खा नहीं लेता है, कौन खाता है? ये जानवर जो हर्बीवोर होते हैं, ठीक है, गाय है, घोड़ा है, ये सब चीज़ें, ये सब जानवर जो है वो हर्बीवोर होते हैं, और ये आते हैं किसमें? ये आते हैं हेटरोट्रॉप्स में, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हेटरोट्रॉप का भी लेवल है, यहाँ और ऊपर हम बढ़ेंगे तो हेटरोट्रॉप्स में कार्निवोर भी आते हैं, ठीक है ना। अब ये ना सोचिएगा हेटरोट्रॉप्स में खाली जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर में खाली हर्बीवोर आते हैं, हर्बीवोर के अलावा इसमें कार्निवोर भी आते हैं, और कार्निवोर जो हैं वो हो गए आपके सेकेंड कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंड कंज्यूमर हो गए। अब ये खा रहे हैं हर्बीवोर्स को, ठीक। फिर हेटरोट्रॉप में लेते चलेगा, अब सेकेंड कंज्यूमर जो होगा ना, सेकेंड कंज्यूमर ये जो हर्बीवोर को खा रहे हैं, अब उसके बाद आते हैं टर्शरी कंज्यूमर, वो भी हो गए कार्निवोर। अब इसको समझिएगा, वो भी हो गए कार्निवोर, और लास्ट में आते हैं, हेटरोट्रॉप के अंदर ये सब चल रहे हैं, वो आते हैं टॉप कार्निवोर्स, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कॉर्टिनेटरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अब आप इससे रिलेट कर लीजिए किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करें तो आप ये देख सकते हो ये कैसे चीज़ें चल रही हैं। ओनली 10% जो लेवल का है वो अब्जॉर्व एनर्जी का है, ये अब्जॉर्व करा जाता है अगले के द्वारा। मान लो यहाँ पे 100 करा गया, तो इसका सिर्फ 10% जो है लेवल का अब्जॉर्व करा जाएगा, एनर्जी अब्जॉर्व होती है दूसरे वाले के द्वारा, ठीक है। तो बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है बीच में। तो ये इस तरीके से हमने आपको डिफाइन करके बता दिया। अब समझिए एनर्जी जो बहती है, जो फ्लो करती है, ठीक है ना, ट्रॉपिक लेवल्स में प्रोड्यूसर्स से जाती है ऊपर लेवल की तरफ, तो इस एनर्जी को हमेशा देखा जाता है लोअर लेवल से, मतलब हमेशा हम प्रोड्यूसर से देखेंगे, और प्रोड्यूसर से बढ़ते 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 हम हर्बीवोर कार्निवोर और ऊपर टॉप लेवल के कार्निवोर तक पहुँचेंगे, ठीक है। कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में आप इसको नहीं देखोगे कि कार्निवोर से नीचे आ रहे हैं और शेर को किसी ने खा लिया और उसको उसको ने खा लिया और उसके बाद जो है वो आखिरी में प्लांट उस सबको खा रहा है, तो ऐसा आप नहीं देखोगे। अच्छा, अब इस लेवल से इस लेवल में जाने में कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, और वो जो लॉस होती है वो किस फॉर्म में लूज होती है? वो लॉस होती है अनयूजेबल हीट के फॉर्म में हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, ताकि अभी इससे क्या होता है, इसकी वजह से जो एनर्जी यहाँ है वो एनर्जी यहाँ नहीं देखने को मिलती है ना। तो अभी ऊपर ऊपर जैसे आप जाने लग जाओगे तो एनर्जी का लेवल डिक्रीज होता जाएगा। तो रिजल्ट के तौर पे क्या है, यूजुअली 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल बन पाते हैं, मोर देन 6 या उससे ज़्यादा बहुत ही कम एनर्जी ही बचती है कि आगे कोई ऑर्गेनिज्म उसको खा पी के अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। तो ट्रॉपिक लेवल्स के जो नंबर होते हैं वो उस हिसाब से होते हैं कि कितने ऑर्गेनिज्म क्या खा रहे हैं, किस फूड और सोर्स को खा रहे हैं, तो उस लेवल पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक है ना। तो ट्रॉपिक लेवल के इंट्रैक्शन को जब हम पढ़ेंगे इस तरीके से, तो हम इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब छोटे वाले कॉन्सेप्ट ही हैं, परेशान मत होइएगा, ये हो गया फूड चेन। दूसरा जो हम पढ़ेंगे साथियों वो हम पढ़ेंगे फूड वेब के बारे में, और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल साथ साथ मेरे चलते रहिएगा। अब देखिए फूड चेन ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सिंपल है, और हम लोग बचपन से ही इस चीज़ को करते हुए चले आ रहे हैं, समझते हुए चले आ रहे हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। देखो होता कुछ इस तरीके से है कि जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं खाने के ही लेवल को लेके। अभी क्या है, हम जानते हैं कि हमको एप्पल बड़ा पसंद है, ठीक है, तो एप्पल के पेड़ से हम रिलेटेड हैं, क्यों? क्योंकि हमको एप्पल वो प्रदान करता है, समझे ना। अब हम थोड़ा और ऊपर आ गए, हमने कहा चलो ठीक है, ये वाला जो है, अगर मान लीजिए कि कुछ लोग हैं, या जिससे सपोज करिए कि हम एग्जांपल देते हैं कि डियर की बात करें, ठीक है, तो डियर को किस लिए पास किया जा रहा है, मतलब जाना जा रहा है इस शेर के मतलब लायन के द्वारा, क्यों? क्योंकि ये इसका खाना है, समझ रहे ना। तो एक दूसरे से कुछ इस तरीके से ही रिलेटेड होता है जानवर, या मतलब आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, एक दूसरे से अपने फीडिंग मैकेनिज्म या ट्रॉपिक लेवल के माध्यम से, ठीक है ना, क्योंकि वो दूसरे का खाना ही बनेगा। तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है खाना खाने के लिए, उन्हें हम कहते हैं फूड चेन। तो फूड चेन कहाँ से शुरू होती है? प्रोड्यूसर से होती है शुरू, और कहाँ पे ख़त्म होती है? ख़त्म होती है
यहाँ पे टॉप कार्निवोर पे, तो ये होती है फूड चेन। तो ये सिंपल सी है और जिसको हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि भाई सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन प्लांट आ गए, फिर आ गया उसके बाद उसमें हर्बीवोर आ गया, फिर मान लो जैसे सपोज करो प्लांट के बाद यहाँ पे हमने काउ का नाम ले लिया, ठीक है, काउ के बाद हमने देख लिया कि इसको भी कोई मान लो जैसे सपोज करो कि जैकॉल ने खा लिया, फिर हम और ऊपर चले गए थे और हमने देखा कि भाई यहाँ कुछ भी है, फिर उसके देखा हमने कि आखिरी में आ गया हमारा शेर वगैरह आ गया। तो इस तरीके से एक जो पर्टिकुलर यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे चेन चली जा रही है एक ऑर्गेनिज्म की, इसे हम कहते हैं मतलब फूड चेन। तो क्या है कि सीक्वेंस चल रहा है, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, तो क्या हो रहा है कि फूड की एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इस सीक्वेंस से ही, और इसीलिए हम कहते हैं इसकी फूड की चेन। ठीक है, अब प्लांट क्या करते हैं, प्लांट का मेन काम क्या है, प्लांट का काम है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और इसमें प्रोसेस क्या है, बहुत इजी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब छोटे छोटे हर्बीवोर जो होते हैं वो प्लांट को खा लेते हैं, और अब क्या करते हैं, अब ये बदले में ये जो है वो इसको एनिमल मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हर्बीवोर बड़े बड़े कार्निवोर के द्वारा खाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका फूड चेन। अब आप कहेंगे मैम कितने तरह की फूड चेन होती हैं ये भी बता दीजिए, है ना, कुछ टाइप होता होगा ना फूड चेन का। तो यहाँ पे आइए समझते हैं फूड चेन के टाइप्स को। देखिए दो तरह की फूड चेन हम यहाँ पे मेनली पाएंगे, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे डिटेल में चले जाएंगे तो बहुत कुछ पा जाएंगे, लेकिन मेनली समझ लीजिए कि एक हो गया ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक, यहाँ पे आप देखिए एक हो गई अपनी ग्रेजिंग फूड चेन जिसकी शुरुआत होती है ऑटोट्रॉप से, मतलब वही प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, वही प्लांट वगैरह उनसे, और एक होती है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन की जब हम बात करें तो हम ये लिटर से शुरुआत करेंगे, तो अभी हम क्या होता है लिटर ये सब भी समझाएंगे आपको, परेशान मत होइएगा, फिलहाल आप समझिए ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है। देखिए अब ऐसे कंज्यूमर्स जहाँ फूड चेन की शुरुआत हो रही है प्लांट का सबसे पहले यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, प्लांट या प्लांट का पार्ट खाया जा रहा है फूड के तौर पर, और तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन, क्योंकि ग्रेजिंग से समझ लीजिए, रिलेट कर लीजिए कि कोई मान लीजिए कि घास खा रहा है, अब सपोज करिए, ठीक है, तो अब ऐसे समझेंगे तो वो प्लांट में आ जाएगा ना, तो ऐसा हरा भरा ऑटोट्रॉप्स, तो इसीलिए इसको समझ लीजिए ग्रेजिंग फूड चेन, इसे अब याद करने में आपको आसानी होगी। तो ये जो फूड चेन है इसकी शुरुआत होती है ग्रीन प्लांट से, बेसिक लेवल पर ग्रीन प्लांट होते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर होते हैं, उसके बाद उनको कोई खाता, उनको कोई खाता, उनको कोई खाता है, तो इस तरह से चलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो तरह कि इकोसिस्टम हम देखते हैं ना, एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ना जमीनी तौर पे, और एक है एक्वाटिक इकोसिस्टम जो पानी में हो रहा है, तो एक तरह का तो है नहीं, दो तरह का इकोसिस्टम है ना भाई। तो फॉर एग्जांपल अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो घास को खाते हैं कैटरपिलर, ठीक है ना, उसके बाद कैटरपिलर को खा लेते हैं लिजर्ट, लिजर्ट को खा लेता है स्नेक, ये वाला एक मैंने यहाँ पर डाल दिया था, तो जो है चीज़ें बढ़िया सी, वो तो मैंने उसका डाल दिया है आपका एक्वाटिक वाला, ठीक, तो अब इसको खा रहा है, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि प्लांट को खा रहा है यहाँ इस तरीके से, ठीक, ग्रास हॉपर ने खा लिया, उसके बाद ये देखो स्कॉर्पियन हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर यहाँ पे किट फॉक्स आ गया, तो इस तरीके से चीज़ें चलती चली जा रही हैं, क्लियर है बात। अच्छा अब देखिए एक्वाटिक इकोसिस्टम यहीं पर मान लीजिए हो जाएगा, पानी वाली अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या है कि फाइटोप्लैंकटॉन्स जो होते हैं वो सबसे बेसिक लेवल पे होते हैं, ठीक है ना, ऑटोट्रॉप्स होते हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको जू प्लैंकटॉन्स खाते हैं, फिर जू प्लैंकटॉन्स को कौन खा लेता है, फिशेस खा लेती हैं, फिशेस को कौन खा लेता है, पेलिकन्स खा लेते हैं, तो ये पूरा चलता चला आता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। आपको पता है कि जो बियर होता है, बियर जो होता है वो जो हाइबरनेशन करता है ना उसका अलग हाइबरनेशन होता है देन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, सोने चले गए, तो इनका जो ये सोना होता है ये बहुत अलग होता है दूसरे और हाइब्रेटिंग एनिमल्स से। मतलब देखिए हाइबरनेशन क्या है, जैसे कि हम देखते ना बस सोने चले जाते हैं ना जाड़े वाड़े में, तो ये ट्रू हाइबरनेशन है, जैसे कि हम ग्राउंड स्क्विरल्स के केस में देते हैं, इसमें क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर ये लोग अपना एकदम से गिरा लेते हैं, बट जो हाइबरनेटिंग एनिमल होते हैं वो ओकेजनल यहाँ पे जगते हैं, उठते हैं, खाते हैं और फिर जो है डिफेक्ट करते हैं बिफोर फिर से जाने में हाइबरनेशन के पहले। तो जब हम देखते हैं कि बियर हाइबरनेट कर रहा है ना, ये थोड़ा सा डिड यू नो वाला फैक्ट है, तो हाइबरनेट कर रहा है ना, तो ये बहुत गहरी नींद में सोता है, इसका बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है, बट ड्रास्टिकली नहीं गिरता, एकदम से नहीं गिरता है, बट ये जगता भी नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन ये है कि जो मदर बियर होती है वो जगती है बर्थ देने के लिए करीब
जन्म देने के लिए जनवरी से फरवरी के महीने में, और खाना तो कम होता है विंटर में, है ना। तो ये समझ जा रहे हैं, तो अगर मतलब ये समझिए, सिंस फूड इज स्केयर स्केयर इन द विंटर, बियर्स फिगर दैट इफ़ यू कांट ईट यू माइट एज वेल स्लीप, अगर तुम खा नहीं सकते तो तुम सो जाओ, कोई बात नहीं। तो बियर जैसे कि एशियाटिक बियर हो गया, ये रहते हैं वार्मर क्लाइमेट में जहाँ फूड वगैरह जो है वो अवेलेबल होता है पूरे साल, तो ये लोग ऐसे जगहों वाले बियर जो है वो हाइबरनेट नहीं करते। खैर ये तो एक डिडियो नो वाला फैक्ट था, हम टॉपिक से नहीं हटेंगे, हम वापस टॉपिक पे आते हैं। देखो भैया, हमने आपको ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में बता दिया, कैसे प्लांट से शुरू हो रहा है दोनों एक्वेटिक में भी और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ही कैसे क्या काम हो रहा है। दूसरी फूड चेन है दोस्तों डेट्रिटस फूड चेन। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर से मैम ये क्या बता रही हैं आप, देखिए इसकी शुरुआत होती है डेड मैटर से, किसके, कि भैया डेड मैटर किसी का भी हो, या कोई जानवर सड़ रहा हो, नहीं डिकेइंग एनिमल हो, या प्लांट की पत्ती वत्ती गिरी हो, तो प्लांट बॉडीज हो, इन्हें कंज्यूम करा जाता है किनके द्वारा मालूम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। और उसके बाद डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं इसको, जिन्हें हम लोग डेट्रीवोर कहते हैं या टी कंपोजर कहते हैं, ठीक है। टू अदर प्रेडेटर्स फिर इनको खाते हैं। आइए समझाते हैं क्या, सबसे पहले ऐसे समझिए इसकी फूड चेन को। यहाँ है सबन ये लिटर, मैं समझा दूंगी लिटर क्या होता है। उसके बाद आ गए अपने प्यारे अर्थ वॉर्म्स, उसके बाद इनको खा लिया चिकन ने, ठीक है। इनको किसने खाया, इनको खा लिया हॉक ने, हॉक ने इनको हॉक दिया। तो अब समझिए, पहले चीज़ समझिए लिटर क्या है। देखिए लिटर एक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है जो सॉइल की सरफेस पे आके गिर गया है, चाहे वो पत्तियां हों, चाहे वो जानवरों का जो है बचा कुचा हिस्सा हो, ठीक है, सड़े हुए जानवर अब मर गए हैं तो पड़े हुए हैं, एक्सक्रीटा है। तो डेट्रिटस ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है। अब देखिए ये तो हमने लिटर बता दिया क्या होता है, लिटर के साथ साथ डेट्रिटस क्या होता है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है जो आपको सॉइल के सरफेस के नीचे मिलता है, जिसे खाया जाता है डेट्रीवोर्स के द्वारा, या ब्रोकन अप किया जाता है बाय डीकम्पोजर्स। तो इन दोनों में ये डिफरेंस भी है। चलिए लिटर समझे। अब लिटर ये जो मैटर है इसे कौन खा रहा है, अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स यहाँ पे जो है किसके द्वारा खाए जा रहे हैं, चिकन के द्वारा, और चिकन को कौन खा रहा है, हॉक। तो ये चलती है यहाँ पे इसकी डेट्रिटस फूड चेन। अब देखिए एक तो एक ग्रेजिंग वाली फूड चेन जो मैंने आपको बताई और जो ये वाली बताई, इन दोनों में जो डिफरेंस है ना एनर्जी के सोर्स का है। अब देखिए कैसे, फर्स्ट लेवल मतलब एनर्जी का सोर्स जो है ना फॉर द फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, कि कहाँ से जो फर्स्ट लेवल वाले कंज्यूमर है वो कहाँ से अपना खाना ले रहे हैं, ठीक है। हम ग्रेजिंग वाले में ये देखते हैं कि प्राइमरी सोर्स जो हमें एनर्जी का मिलता है वो हमें प्लांट दे रहा है, ठीक है, प्लांट से मिल रहा है ना। वाइल जो डेट्रिटस फूड चेन में हम देखते हैं कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है या डेट्रिटस है। तो दोनों ही फूड चेन आपस में लिंक है। शुरुआत का बस ये सोर्स देखा जाता है डेट्रिटस फूड चेन में, वो ये देखा जाता है कि इस फूड चेन के अंदर आप वेस्ट मटेरियल या डेड ऑर्गेनिक मैटर को पाओगे, बाई जगह ग्रेजिंग वाली में मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ कहानी होती है, और यहाँ पे मैंने आपको ये लेवल भी दिखा दिए, ऑटोट्रॉप्स, हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, बाकी सब चीज़ें बढ़िया हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो मैंने दूसरा बताया था, एक फूड चेन बताया था, एक फूड वेब बताया था, और एक फिर इकोलॉजिकल पिरामिड बताया था। तो अब हम दूसरा वाला सेक्शन पढ़ेंगे फूड वेब का, क्या है ये समझते हैं साथियों। देखो भाई बात ऐसी है कि फूड चेन की जब हम बात कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि सिर्फ एक ही पार्ट जो है वो फूड की या एनर्जी का फ्लो दिखा रहा था इकोसिस्टम में, कि इसको इन्होंने खाया, इसको इन्होंने खाया, इसको इन्होंने खाया। लेकिन अब क्या, मान लो इसको ये खा ले, इसको ये खा ले, इसको कोई और खा ले, इसको ये खा ले, तो ये तो एक जाल जैसा बना रहा है ना, है कि नहीं। और यही तो देखने को मिलता है, एक डिश थोड़ी ना आप भी खाते हैं, आप भी अलग अलग तरह की डिश खाते हैं। तो अलग अलग इंटर रिलेटेड फूड चेन्स आप देख पाओगे इकोसिस्टम के अंदर। तो सेम फूड रिसोर्स जो होता है ये पार्ट है मोर देन वन चेन का। ऐसा नहीं है कि मान लो कि कोई लायन है सपोज करो, ठीक है, ऐसे सब लोग ग्रास समझ लो, ग्रास, तो ग्रास को ग्रास हॉपर भी खाता है, ग्रास को कोई हॉर्स भी खाता है, ग्रास को काऊ भी खा सकती है, ग्रास को बकरी भी खाती है। तो ऐसा नहीं है ग्रास एक ही जानवर खा रहा है, इसको कोई भी खा सकता है। अब बकरी को कोई भी खा सकता है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं आपका जो है और जानवरों को कोई भी खा सकता है। तो सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो स्पेशली जब आप रिसोर्स को लोअर ट्रॉपिक लेवल पर देखते हो तो आप देखते हो कि एक ही फूड सोर्स कई सारे
कंज्यूमर्स का फूड होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया, अब ये चार्ट भी काफ़ी कुछ आपको रिप्रेजेंट कर देगा। और इसके अलावा ऐसे भी बता दें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई ग्रास को बहुत चीज़ें खा रहे हैं, भाई माउस भी खा रहा है, ग्रास हॉपर भी खा रहा है, ग्रास हॉपर को लिजर्ट भी खा रही है, लिजर्ट को हॉक भी खा रहा है, ग्रास हॉपर को भी हॉक खा रहा है, रैबिट है मान लो उसको भी हॉक खा ले रहा है, ठीक है ना, स्नेक को भी हॉक खा ले रहा है, और आपका माउस है, माउस स्नेक खा ले रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिक्स ही देखने को मिलेंगी। तो फूड वेब आप समझे क्या होता है कि एकदम मान लो जाल जाल सा बना हुआ है। तो अगर कोई भी इंटरमीडिएट फूड चेन को आप बीच से हटा दो तो इससे क्या होगा कि दिक्कत पक्का ही आएगी। अब सपोज़ करो ग्रास को हटा दो तो ये क्या होगा, अरे आपस में कैसे ही सब कुछ बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। तो ऐसा होता है कि बहुत सारी फूड चेन्स आपस में एक साथ काम करती हैं, ठीक है ना। ऐसा चलिए फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस फूड है रैबिट का और ग्रास हॉपर का भी, गोट का, काऊ का, यही मैं आपको बता रही थी। अब हर्बीवोर जो है ये सारे अलग अलग कार्निवोर भी खा रहे हैं, एक कार्निवोर अलग अलग हर्बीवोर को भी खा रहा है, ठीक है ना। तो फूड की अवेलेबिलिटी अपने हिसाब से मौसम के हिसाब से बदला करती है। जब हम लोग जाड़े में सूप पीते हैं और गर्मी में जो है ठंडा, तो ये लोग भी तो अलग अलग खाते हैं ना। तो ये हो गया फूड वेब की कहानी। अच्छा एक चीज़ समझ आते हैं, डू यू नो का एक पार्ट है ये, कि बात ये है कि डॉल्फिन्स, वेल्स वगैरह को, इन सब को दोस्तों, अभी मैंने एक बोला था ना टर्म, सिटेशियंस, सिटेशियंस कहा जाता है। कि सिटेशियन एक ऐसा जानवर हो गया, एक ऐसा क्रिएचर हो गया जो बिलोंग करता है टू अ ग्रुप ऑफ वाटर लिविंग मैमल्स, ठीक है ना, जिनके पास कोई भी हाइंड लिम्स नहीं होते, ब्लो होल नहीं होता सांस लेने के लिए, और ये फिश भी नहीं होते, ठीक है ना, दे आर नॉट फिश, ये बात याद रखिएगा। तो डॉल्फिन्स, पॉर्पोइसेस, व्हेल्स वगैरह, इनको सिटेशियंस कहते हैं। बड़ी अचंभे वाली बात बताई, तो चलो फटाक से लाइक करते चलो। चलो भैया नेक्स्ट की बात करते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड की। क्या है ये इकोलॉजिकल पिरामिड? देखो जो स्टेप्स हैं इन टॉपिकल लेवल के, ये डायग्राम के माध्यम से जब आपको दिखाए जाएं कि भैया इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। और फूड प्रोड्यूसर जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर देखा जाता है कि बेसिक लेवल पे इस पिरामिड के अंदर आप पाओगे, और जैसे जैसे कंज्यूमर्स ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो टॉप कार्निवोर आते आते ये एकदम ऊपर आ जाएगा। अब इस पिरामिड के अंदर आप बहुत सारे ऐसे बार्स देखोगे जो स्पेसिफिक टॉपिक लेवल को दिखाते हैं, है ना। तो और जो भी लेंथ है इन बार की, ये दर्शाती है कि किस लेवल पे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अवेलेबल थी और कैसे धीमे 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 ऊपर तक जाते जाते कम हो गई। और ये चीज़ें एनर्जी को भी शो करती हैं कि कितनी एनर्जी शो होती चली जा रही है, और ऊपर और चीज़ों को भी दिखाती रहती हैं। अब देखिए, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स को भी दिखाती हैं, एनर्जी को भी दिखाती हैं, कितने लोग बचे हैं, क्या है। अब देखिए इसमें बेसिस बहुत सारे बनते हैं, इन पिरामिड को बहुत सारे तरीके से आप देखोगे। इनमें तीन तरीके जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम समझेंगे। एक तो हो गया पिरामिड ऑफ नंबर्स, क्या हो गया, पिरामिड ऑफ नंबर्स। दूसरा हो गया पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, और तीसरा जो है वो हो गया पिरामिड ऑफ एनर्जी या फिर प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। तो जो नंबर है, बायोमास है, एनर्जी है ऑर्गेनिजम्स की, वो धीमे 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 हर एक स्टेप पे कम होती जाती है प्रोड्यूसर लेवल से अगर आप कंपेयर करो, और तो कंज्यूमर लेवल तक आते आते चीज़ें कम होती जाती हैं। उसी बेसिस पे यहाँ पे तीन चीज़ों में डिवाइड करा गया है, एक है नंबर्स, एक है बायोमास, और एक है एनर्जी है प्रोडक्टिविटी। तो हम सबसे पहले जो जानेंगे वो पिरामिड ऑफ नंबर्स को समझते हैं, ये क्या होता है। देखिए ये जो है ना पिरामिड ऑफ नंबर्स, ये डील करता है साथियों रिलेशनशिप को बिटवीन द नंबर्स ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट लेवल। कि भैया सीधी सीधी बात है कि इसको ऐसे देखा जाता है कि जो प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, वो कितने थे, उसके बाद ऊपर बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि जो है पहले फर्स्ट वाले कंज्यूमर्स कैसे रहे, सेकेंड वाले कैसे रहे, थर्ड वाले कैसे रहे। तो इस तरीके से ये नंबर्स को अलग अलग लेवल पर बताता है, ठीक है ना। तो ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं इनको देखा जाता है बिलोंगिंग टू ईच ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। तो डिपेंड करता है साइज या बायोमास क्या है, उस हिसाब से नंबर जो है वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि ऊपर की तरफ जो है वो कम ज़्यादा से कम ही होते रहें, हो सकता है इवन
कम्प्लीटली इन्वर्टेड भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये तो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम सीधा सीधा वाला समझते हैं, दोनों ही इकोसिस्टम को समझेंगे, एक लैंड वाले जिसे हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं और एक एक्वाटिक वाले जिसे हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं, पानी वाले, ठीक है ना। तो हम दोनों ही देखेंगे, समझे। अभी फिलहाल हम अपराइट देख रहे हैं, मतलब नीचे बड़ा है, एकदम सही, एकदम ऐसे जा रहा है। तो देखो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन इतने सारे हैं, उसके बाद जू प्लैंक्टन और थोड़े कम हुए, उसके बाद और बढ़े तो हेरिंग 10,000 किलो ही बची, और ऊपर आ गए सी लायन और कम बचे। तो ये चीज़ हो गई, हालांकि इन्होंने एग्जाम्पल दूसरा दिया है किताब में, लेकिन आप मोटा मोटा यही समझिए। अब यहाँ पे देख लीजिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जब हम नीचे देखते हैं, ग्रासेस तो बहुत सारी होती हैं, हाँ ग्रास ऑपर होते हैं तो उनसे कम होते हैं, उसके माइस होते हैं, चूहे होते हैं, उनसे कम होते हैं, और ऊपर चले जाएंगे, सपोज़ करिए कि हमने हॉक की बात कर ली या स्नेक की बात कर ली, स्नेक की बात कर ली तो ये उससे कम होते हैं। तो ये इस तरीके से हम अपराइट बना रहे हैं अभी फ़िलहाल जो ये बना रहे हैं, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर समझ में आ रहा है कि कैसे नीचे कम थे। अब देखिए बात क्या है कि ग्रासेस जो हैं सबसे ज़्यादा है, मैंने बताया ना नेक्स्ट लेवल कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, सारी चीज़ें हैं तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अच्छा अब पिरामिड ऑफ नंबर्स का अगर हम, ये तो हो गया अपना अपराइट, अब अगर हम कुछ लेवल पे देखें कि इन्वर्टेड भी होता है, ऐसा नहीं है, है ना कि ऊपर यहाँ पे नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता होगा भाई। ऐसे केसेस में ऐसा हो सकता है कि नीचे मान लो एक ही पेड़ है लेकिन उस पर डिपेंड रहने वाली चिड़िया जो हर्बीवोर है वो ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद पैरासाइट्स हम देखते हैं कि छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह जो हैं पैरा इंसेक्ट्स वो उससे ज़्यादा हैं, और उसके ऊपर और छोटे छोटे हाइपर पैरासाइट्स देख लें वो तो बिल्कुल ही ज़्यादा है। तो इस तरीके का इन्वर्टेड पिरामिड भी बनता है। इस पिरामिड में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो लोअर लेवल से ऊपर लेवल पर बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं ना कि अभी जो मान लीजिए अकाउंट इन अ फॉरेस्ट वुड हैव स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर्स, जैसे कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो बहुत कम हैं, है ना, लेकिन अभी क्या है कि जो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो बर्ड ज़्यादा मिल रही हैं और उन पे पैरासाइट ज़्यादा मिल रहे हैं, उनके ऊपर हाइपर पैरासाइट ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत डिफिकल्ट होता है काउंट करना, तो इस वजह से इसको इन्वर्टेड पिरामिड कहेंगे नंबर्स के बेसिस पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ एक कमेंट करते चलिएगा ताकि हमें भी लगे कि हाँ भाई आपको सब कुछ समझ में आता गया है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास की। अब ये क्या है, देखिए पिरामिड ऑफ नंबर्स के अंदर कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं समझाने को, उसे पूरा करने के लिए पिरामिड ऑफ बायोमास का यूज़ किया जाता है। इस अप्रोच में जो इंडिविजुअल्स हैं हर एक टॉपिक लेवल में वो वेट करे जाते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग काउंटेड, उनका देखा जाता है कि वज़न क्या है, ना कि वो कितने हैं नंबर में या उनकी काउंटिंग कितनी है। यहाँ पे हम नंबर के बेसिस पे देख रहे थे, यहाँ पे हम वेट के बेसिस पे देखेंगे। तो इससे क्या है, ये जो हमें पिरामिड ऑफ बायोमास देता है इसमें टोटल सूखा सूखा मान लीजिए ड्राई वेट सारे ऑर्गेनिज्म का आ जाता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। अब पिरामिड ऑफ बायोमास ये यूजुअली कैसे, अब आप कैसे इसका पता लगाओगे, ये यूजुअली पता लगाया जाता है कलेक्ट करके सारे ही ऑर्गेनिजम्स को जो हर एक ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं, अलग अलग इनको देखा जाता है, मेजर करा जाता है इनका ड्राई वेट, और इससे जो साइज़ डिफरेंस की प्रॉब्लम्स है ना वो अलग हो जाती हैं, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म हर एक लेवल में उनका वेट हो गया है और उनका जो ग्राम जो है वगैरह में जिस भी तरीके से हमने वेट करा तो उसका वेट हो गया, तो अब पता चल जाएगा क्या है। तो अब इस तरीके से कैसे है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था, हालांकि ये जो दोनों ही इन्होंने दे रखे हैं वो मतलब इधर इधर दे दिए हैं एग्जाम्पल, आप इसको इस तरह से समझो, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है बायोमास का। अब देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे, सपोज़ करो आप ले सकते हो उसमें भी और आप उसमें भी ले सकते हो, कोई चिंता नहीं है। देखो भैया अब इसके भी बायोमास के भी जो बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं, एक तो बनेगा अपराइट। अपराइट में क्या है कि प्रोड्यूसर्स इसमें नीचे के लेवल पे बहुत ज़्यादा है, सपोज़ करो हम ग्रास की बात करें तो 1,000 किलो ग्रास नीचे हमने देखी, उसके बाद हम आए हर्बीवोर की तरफ, ठीक है प्रोड्यूसर के बाद हम आए हर्बीवोर की तरफ, हर्बीवोर टोटल 100 kg हैं, उसके बाद हम बढ़े प्राइमरी कार्निवोर की तरफ जो हमने देखे कि 10 kg हैं, और उसके बाद हम टॉप कार्निवोर की तरफ बढ़े और हमने देखा इसका यहाँ वज़न 1 kg है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अपराइट बायोमास का पिरामिड कैसे बनता है।
अच्छा, तो ज़्यादातर इकोसिस्टम्स के लिए जो लैंड के होते हैं, लैंड वाले इकोसिस्टम, इसमें जो बायोमास का जो पिरामिड है, इसमें देखा जाता है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं नीचे वाले, ये जो है उनमें बहुत बड़ा बेस इनका है, और जो धीमे धीमे स्मॉलर ट्रॉपिक लेवल्स होते चले जाते हैं जैसे जैसे ऊपर पहुँचा जाता है। तो बायोमास प्रोड्यूसर्स का, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स वगैरह सबसे नीचे वाले, ये मैक्सिमम दिख गए आपको, उसके बाद ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए तो कम होते चले गए। अच्छा चलो, अब यहाँ पे इसी का ही पिरामिड ऑफ बायोमास का ही हम इन्वर्टेड पिरामिड भी बना लेते हैं। चलो ऐसे बना लेते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि जो ऊपर हमारी, मान लो सपोज करो ऐसे 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 है, तो अब ये मान लो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अब यहाँ पे कम है। अब हम यहाँ पे ये किस में देखने जा रहे हैं, हम ये टेरेस्ट्रियल में नहीं, अब ये हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स हमारे कम हैं, हर्बीवोर हमारे जो है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का वजन जो है वो है सिर्फ 4 ग्राम, हर्बीवोर जो है वो है 8 ग्राम के वजन के, और वही जगह कार्निवोर ऊपर जो और बड़ी फिशेस हैं वो हैं 12 ग्राम की वजन की। अब यहाँ पे नंबर की हमने बात नहीं करी, हमने वेट की बात करी। इस बात को याद करिएगा कि छोटे छोटे जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंकटॉन्स हैं वो, उनका वजन बहुत कम है जो बेस जो जो है ग्रो और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं लगातार। यहाँ पे आप देखिएगा कि बेस बहुत कम है, और धीमे धीमे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो यहाँ पे वजन बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं। और खासकर ये हम कहाँ देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, अब तीसरा और आखिरी जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे साथियों पिरामिड ऑफ एनर्जी को। अब इसका डायग्राम तो मैंने यहाँ डाल दिया था, तो इसलिए हम यहाँ आपको समझाते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखिए, ट्रॉपिक लेवल अलग अलग तरीके के जितने भी हैं उनके प्रॉपर फंक्शन को समझने के लिए जो है एनर्जी का ये पिरामिड सबसे ज़्यादा सूटेबल है। क्यों है आपको थोड़ा समझाती हूँ, क्योंकि ये दिखाता है, एनर्जी का पिरामिड आपको दिखाएगा थर्मोडायनेमिक्स के लॉस को, कि किस तरीके से सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, और किस तरीके से कुछ एनर्जी का बीच में इतनी भारी मात्रा में लॉस भी हो रहा है ट्रांसफ़र होते टाइम एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म से में एनर्जी को। ठीक है ना, अब ज़्यादातर इसमें आप यहीं अपराइट ही देखोगे, क्योंकि नीचे बेस सबसे बड़ा है और ट्रांसफ़र होते होते कम हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे इसको मैं समझा देती हूँ कैसे क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, मान लो 1050 कैलरी थी, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ने सन का यूज़ करके ये सब बनाया। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आए, यहाँ पे एनर्जी बची 100 ही कैलरीज, उसके सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक जो पहुँची वो 10% तो पहुँचती है ना, तो 1050 नहीं है, 1000 थी, सॉरी 1000 ये थी, 10% यहाँ आई तो यहाँ पे 100 बची, यहाँ पे और कम हुई तो 10 कैलरी ही बची, और यहाँ जो और ऊपर पहुँची तो 1 ही कैलरी पहुँची। तो ये एनर्जी जो होती है वो नीचे के लेवल से सिर्फ और सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र हो पाती है अपने अगले लेवल में। तो अब आप सपोज करिए एक जानवर को, सपोज करिए कि हम एक डियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हिरन की बात कर रहे हैं, हिरन खाती है प्लांट, प्लांट में 100 कैलोरीज फूड एनर्जी मिलती है, और डियर यूज़ करती है कुछ तो अपना खुद का, भैया उसको शरीर चलाना, ऐसा तो है नहीं कि वो सब कुछ लायन के लिए खा रही है, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए खाती है। लेकिन अगर हम बताएं कि जब लायन उसको खाता है ना तो उसको कुछ ही अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, सारी की सारी एनर्जी नहीं मिलती है। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाती है चीज़ों को समझने में किसी एनर्जी पिरामिड के। आई होप आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स सारे के सारे क्लियर हो गए। अगर क्लियर हो गए प्लीज़ प्लीज़ लाइक और कमेंट करते चलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं इस चैप्टर का, जो कि है पोल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल के बारे में क्या हो रहा है, इसके मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ प्यारे साथियों। पोल्यूटेंट्स, ठीक है, पोल्यूटेंट्स ऐसे जो खासकर नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, जो ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, वो क्या करते हैं ना, वो हर एक ट्रॉपिक लेवल के साथ साथ ऊपर तक पहुँचते जाते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये क्या है भैया, नॉन डिग्रेडेबल समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए, जो पचा ही नहीं सकता, मेटाबोलाइज नहीं कर सकता लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही हो गए या ख़त्म नहीं हो सकते वो। एग्जांपल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये
जो है वो डिग्रेड नहीं हो सकते, तो इसलिए क्या है कि ये सब नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हो गए हैं। तो अगर हम ये समझें इन सारे फिनोमिना के लिए, क्योंकि देखिए ना, छोटा छोटा भी अगर आ गया एनवायरनमेंट के अंदर तो अच्छा खासा प्रॉब्लम हो जाएगी ना, छोटा छोटा भी गलत चीज़ें ऑर्गेनिज्म लेते जाएंगे तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो पोल्यूटेंट्स हैं इनका जो मूवमेंट है ना, इसमें मेन दो प्रोसेस आप देखोगे जो इन्वॉल्व हैं, एक होता है बायो एक्यूमिलेशन और दूसरा होता है बायो मैग्निफिकेशन। इन दोनों को एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए बायो एक्यूमिलेशन क्या है ना, कि ये दिखाता है कि किस तरीके से पोल्यूटेंट्स इस फूड चेन के अंदर घुस जाते हैं। फूड चेन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। और बायो एक्यूमिलेशन में यहाँ पे आप देखोगे कि पोल्यूटेंट की मात्रा बढ़ती जाती है, इन्वायरमेंट से जाती है सीधा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में फूड चेन के, और उसके बाद फिर तो बाकी सेकेंडरी टर्शरी सब ऊपर ऊपर बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। अब ऐसे समझो ना इस चीज़ को कि मान लो कि प्रोड्यूस हम जो है प्लांट है, मान लो हम कोई खेती कर रहे हैं, अब उसके अंदर हम गंदी संदी खाद डाल दें, टॉक्सिक पानी डाल दें, तो वो सब वही प्लांट लेगा और उसके बाद जो भी उसको खाएगा तो उसके अंदर भी तो कुछ उसकी अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम जाएगी। इसको ऐसे समझिए, जब आप चिकन खा लेते हैं और चिकन के अंदर कोई बीमारी होती है तो वो आपको भी तो लग जाती है ना। तो ये यही एक लेवल हो गया कि इसे ही हम कहेंगे बायो एक्यूमिलेशन। अब दूसरा प्रोसेस जो होता है पोल्यूटेंट्स के इस फूड चेन में आने का, वो है बायो मैग्निफिकेशन। ये क्या है, ये रिफर करेगा टेंडेंसी ऑफ पोल्यूटेंट्स टू कॉन्सेंट्रेट एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। मतलब समझिए कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे केमिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑर्गेनिज्म के अंदर वो बढ़ता जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके खाने का जब वो मेजर एक्सपोजर करता है ना ऑर्गेनिज्म की डाइट में, अगर हम देखते हैं कि जो है हम खा रहे हैं कुछ खा रहे हैं कुछ, और उसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स है जो खराब खाना खाते जा रहे हैं वो थोड़ा बहुत तो शरीर में लगता जाएगा ना, और लगते 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 उसी खराब खाने का उसी पोल्यूटेंट्स का जो है वो इंक्रीमेंट होने लगता है बॉडी के अंदर। तो इसलिए बायो मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंक्रीज है पोल्यूटेंट के कॉन्सेंट्रेशन में फ्रॉम वन लिंक इन अ फूड चेन टू अनदर। और बायो मैग्निफिकेशन के होने के लिए जो पोल्यूटेंट है वो प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो, अगर वो सारी बात क्या है कि जब कोई पोल्यूटेंट हर एक फूड चेन तक अपने आप ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका मतलब ये तो हुआ ना कि वो पोल्यूटेंट बहुत लंबे समय तक जीवित रहने के मतलब उसके अंदर इतना झस्सा है कि वो जीवित रह सकता है, तभी तो वो हर एक फूड चेन तक पहुँच सकता है ना भाई। यही तो बात है ना, लॉन्ग लिव्ड हो सकता है, मोबाइल हो कि एक से दूसरे में पहुँच जाए, फैट्स में सोल्यूबल हो, तभी तो एक पचा लेगा तब दूसरा उसको खाएगा तो वो उसके में चला जाएगा, बायोलॉजिकली एक्टिव हो। तो ये सब चीज़ें होना जो है वो आवश्यक होता है बायो मैग्निफिकेशन के लिए। तो अगर पोल्यूटेंट मान लीजिए शॉर्ट लिव्ड है कि थोड़े वक्त तक रहा अपने आप ख़त्म हो गया, या ब्रोक डाउन हो सकता है तो डेंजरस होने से पहले, ख़तरनाक होने से पहले, तो फिर ये तो अलग की बात है। तो ये अगर ये मोबाइल नहीं है, एक से दूसरे में नहीं जा सकता, एक ही जगह रह सकता है, तो इसको आप ऐसा ही दिक्कत है कि मतलब ऑर्गेनिज्म नहीं लेके जाएगा। अगर पोल्यूटेंट सॉल्युबल है पानी में तो ये क्या होगा कि ये एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, मतलब अगर मान लो सुबोटी करी ऑर्गेनिज्म में तो उसी के साथ निकल गया पानी के साथ। तो पोल्यूटेंट्स जो फैट्स में डिजॉल्व हो जाते हैं ना वो लंबे वक्त तक रहते हैं, जो शरीर के खाना खाया पच गया और फैट बन के स्टोर होगा शरीर के अंदर, ये दिक्कत का बहुत बड़ा कारण होते हैं, ठीक है। तो एक ट्रांजिशनल मेजर है कि कितना जो है पोल्यूटेंट्स जो है वो फैटी टिश्यूज़ के अंदर हैं ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि फिश हो गया वगैरह, और मैमल्स में हम दूध वगैरह की टेस्टिंग करते हैं है ना, जो फीमेल्स प्रोड्यूस करती हैं, सिंस मिल्क जो है इसके अंदर बहुत फैट होता है एंड ज़्यादा इसमें देख सकते हैं कि डैमेज कर सकता है फ्रॉम टॉक्सिन्स। तो अगर पोल्यूटेंट जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं है तो इट मे बायो मैग्निफाई, बट रियली मतलब इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोबेबली कोई दिक्कत पैदा नहीं करता है। चलिए खैर, फिलहाल ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, नेक्स्ट वाले में हम होपफुली इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, बायोटिक इंट्रैक्शन पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई दिस चैनल एंड सपोर्ट मी इन माई वर्क। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियोज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल दीज, ट्विटर एंड टेलीग्राम हैज ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आई शेयर रेगुलर। अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट्सएप चैनल ग्रुप इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन फॉलो मी एंड बैकअप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो यू कैन फॉलो मी एवरीवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।